जैसे कि सब जानते हैं कि हर साल जो शब्बे बारात जिसको बड़ी रात बोलते हैं, तो उसका बंदोबस्त की तैयारी हमने कर ली है, पूरी मालूम इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। उसके अनुसार 7 जगह जो कब्रिस्तान है वहाँ पे हमने बंदोबस्त लगाया है। इसके अलावा हम रोड पे 3 जगह नाकाबंदी का पॉइंट लगा रहे हैं और रोड पे हमारे कुछ बीट मार्शल से वो पेट्रोलिंग करते रहेंगे। हमने पूरी तैयारी के साथ बंदोबस्त का इंतज़ाम किया है। हमारी पॉलिटिशियन की तरफ से खास अपील है कि जो लोग रात को, ये जो त्यौहार है ये थोड़ा सा अलग किस्म का है, जो बुजुर्ग जो अपने गुजरे हुए हैं उनके श्रद्धांजलि के तौर पर अपना ये श्रद्धांजलि रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से है कि रोड पे बाइक वगैरह थोड़ा सा स्पीड से चला के कोई गैरकानूनी काम ना करे और पुलिस को सहकार्य करे। माँ बाप ने ख्याल करना चाहिए कि अपना लड़का रात को अगर शब्बे बारात की प्रोग्राम के लिए निकला है तो उसके पास व्हीकल नहीं देना चाहिए। अगर व्हीकल दी है तो वो किस वजह से दी है उसकी भी पूछताछ करना चाहिए। हालांकि ये कब्रिस्तान जाने के लिए तो मोटर बाइक की ज़रूरत तो रहती नहीं है हमारे ख्याल से, फिर भी अगर यूज किया तो भी उसने अपने स्पीड का लिमिट ये सब बातें देखकर कानून के हिसाब से सब कागजात वगैरह साथ में रखकर वो मूवमेंट करना चाहिए। हाँ, तो हम ट्रैफिक जो पुलिस हमारे साथ में है उनकी मदद ले लेंगे और हमारे भी नज़र में जब आते हैं कुछ गैर कानूनी तरीके से मोटर व्हीकल चला रहे तो हम भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। सर, आखिरी सवाल है, 15 लाख की आबादी में मुंद्रा पुलिस स्टेशन में मैन पावर कम है, आप सक्षम है कल ये पूरी रात में? हाँ, बिल्कुल सक्षम है। जो भी स्टाफ हमारे अवेलेबल है वो उनकी मदद से हम जो, और जनता जो मुमरा की है वो हमेशा पुलिस की सहयोग करती है, इसलिए संख्या कितनी भी हो हम पूरी इत्मीनान से अपना बंदोबस्त करेंगे।